वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इन जोग्राफी ऑफ बाय ऑनलाइन क्लासेस एंड ये वी आर डिस्कसिंग पॉलिटी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा पिछले वाले वीडियो में हमने चर्चा की अध्यादेश के बारे में, और उसमें हमने एक कम्प्लीट पूरा एनालिसिस कर लिया कि अध्यादेश क्या है, उसकी उसके क्या महत्व है, उसकी क्या आलोचना है, उसे खत्म किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, और किस प्रकार से उसका दुरुपयोग इत्यादि होता है तो उसको कैसे रोका जाए। हमने विभिन्न केसेस के माध्यम से भी इसको देख लिया और बेहतर तरीके से हमने उसे समझने का प्रयास किया। अब जो हमारा आज का वीडियो है, आप जैसे कि साफ साफ देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, जो ये शक्ति है राष्ट्रपति की, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आज कि राष्ट्रपति किस प्रकार से क्षमादान इत्यादि दे सकते हैं। इनको भी एक प्रकार की एक पावर है। तो जैसे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा कि राष्ट्रपति साहब जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप देखेंगे अपने आप में अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। जैसे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि एक कार्यपाल जो विधायिका की शक्ति थी विधान बनाने की, मतलब कि विधि बनाने की, मतलब कि लॉ बनाने की, उस शक्ति का अतिक्रमण करते हैं या अध्यादेश के माध्यम से। जो राष्ट्रपति महोदय हमारे हैं ये विधायिका की शक्ति का अतिक्रमण करते हैं अध्यादेश के माध्यम से कि मैं अध्यादेश बना करके चाहूँगा तो कानून बना सक अध्यादेश के माध्यम से मैं कानून बना सकता हूँ। मतलब तुम्हारा जो कार्य है, मतलब कि विधायिका तुम्हारा जो कार्य है उस कार्य को मैं भी कर सकता हूँ अध्यादेश के माध्यम से, ठीक है। तो ये अपने आप को देखिए अध्यादेश के माध्यम से जो है ये विधायिका के कार्य को भी कर लेते हैं ये। और इतना ही नहीं, इनका मन ये भी नहीं भरता है, इनका मन जो है अभी और आगे ललचाता है। ये कहते हैं भाई विधायिका और कार्यपालिका तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के, मतलब आप देखेंगे ये कई सिक्के के दो पहलू हैं हमारे देश में, ठीक है। तो आप कहते हैं भाई यहीं पर इनकी देखिए इच्छा नहीं रुकती है, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि अब जो निष्पक्ष न्यायपालिका है, अब मैं इसको बताऊंगा कि मेरे पास क्या क्या पावर है। तो अब ये क्या कहते हैं, अब कहते हैं निष्पक्ष न्यायपालिका की शक्तियों का अतिक्रमण मैं करूँगा, ठीक है। तो फिर इसके माध्यम से फिर यहाँ पर संविधान में जो है राष्ट्रपति महोदय के लिए क्षमादान की शक्ति डाली जाती है। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, ये क्या है, सीधे सी बात आप समझ लें कि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति जो विधायिका की शक्तियों का अतिक्रमण करते हैं, उसी प्रकार से क्षमादान की शक्ति के माध्यम से राष्ट्रपति जो है न्यायपालिका की शक्तियों का अतिक्रमण करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, यहाँ पे फिर एक बार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है। तो आप जो शक्ति पृथक्करण जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, इसमें आप दोनों ही चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे क्षमादान की शक्ति हो या फिर आपके अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो, ठीक है। जैसे आप ध्यान रखेंगे तो देखिए राष्ट्रपति क्षमादान करने की शक्ति क्या है, इसमें क्या है, सब पढ़ेंगे हम अच्छे तरीके से, देखते हैं क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो बात करें, अगर सबसे पहले हम बात करें तो आर्टिकल 72 की बात करते हैं। देखिए जो क्षमादान की शक्ति का जो स्रोत है, ठीक है, वापस संविधान है, और संविधान में आर्टिकल 72 के अंतर्गत ये बातें कही गई। क्या कहा गया कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। देखिए आर्टिकल 72 में साफ साफ कहा गया कि क्षमा आदि की, मतलब क्षमा करने की, और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, जो दंडादेश मतलब कि जो दंड मिला है, ठीक है, के निलंबन, के परिहार या फिर लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। मतलब राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ होंगी जिसमें क्षमा क्षमा आदि, मतलब क्षमा कर दे, या फिर कुछ मामलों में दंडादेश, मतलब कि जो उसे दंड दिया गया है अपराधी को, ठीक है, उसका निलंबन किया जा सकता है, परिहार किया जा सकता है, लघुकरण किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो आर्टिकल 72 जो है वो कहता है कि भाई राष्ट्रपति को कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जिसके माध्यम से वो किसी अपराधी को क्षमा दे दें, या फिर कुछ किसी मामले में उस अपराधी को जो सज़ा मिली हो सज़ा का निलंबन कर दें, या फिर सज़ा का परिहार कर दें, या फिर सज़ा का लघुकरण कर दें। तो इस प्रकार के प्रकार से राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ दी गई हैं। तो अब ये शक्तियाँ क्या हैं, इनको मतलब कैसे समझेंगे हम, अच्छे तरीके से इसको देखेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है। तो आई बात करें, अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले इसके इसके अनुसार जो है आर्टिकल 72 के अनुसार पांच प्रकार के क्षमादान की शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं, फाइव, ठीक है, फाइव प्रकार की, ठीक है, फाइव टाइप की। तो इसके अनुसार पांच प्रकार की क्षमादान की शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं। इसमें कौन कौन सी, पहली शक्ति जो है क्षमादान का, ये आपका क्या है, पार्डन्स, ठीक है, क्षमा, जैसे पार्डन्स बोलते हैं। लघुकरण का देखेंगे कम्यूटेशंस, फिर इसके बाद परिहार का देखेंगे तो रेमिशंस, विराम का देखेंगे तो रिस्पाइट्स, प्रबलम्बन का देखेंगे तो आप रिप्राइव्स। तो ये पांच प्रकार के जो आपके क्षमादान के तरीके हैं राष्ट्रपति को ये दिए गए हैं, ठीक है। तो क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रबलम्बन, तो ये क्या है, इन सब चीज़ों को, सभी चीज़ों को हम देखेंगे, पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशंस और रिस्पाइट्स और रिप्राइव्स, ये क्या है, सभी चीज़ों को हम बारी बारी करके देख लेंगे, ठीक है। कोई बहुत समझने वाली ऐसे टेक्निकल टर्म नहीं, बस आपको शब्दों में थोड़ा समस्या यहाँ हो सकती है। ये सारे शब्द मैं नहीं कहूँगा, क्षमा, लघुकरण, विराम, इससे तो आप पहले से परिचित होंगे, ठीक है। परिहार और प्रविलंबन शब्द में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि हिंदी के शब्द भी बहुत ही कठिन होते हैं, और कभी कभी हमें हिंदी के शब्दों के कंपेरिजन हमको इंग्लिश के शब्द ज़्यादा समझ आते हैं, होता है ना ऐसा। तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये सारी चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी। तो ये पांच ऐसे प्रकार है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्षमा प्रदान कर सकता है किसको, एक अपराधी को। तो ये जो आप देखेंगे सजा देने का,
और सज़ा कम करने का, ठीक है, या फिर सज़ा से मुक्त करने का, ये सारे जो अधिकार हैं किसके हैं, ये आपके देश की न्यायपालिका के हैं, जो कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे राष्ट्रपति महोदय की भूख इतनी ज़्यादा है ना कि वो विधायिका की शक्तियों का अतिक्रमण तो कर ही लिए, लेकिन उनका पेट नहीं भरा, फिर वो न्यायपालिका के पास भी पहुँच गए, भाई आपकी भी शक्तियाँ कुछ चाहिए, पेट नहीं भरा अभी, ठीक है। तो आप देखिए, अदरवाइज मत लीजिएगा, ये बस ऐसे जस्ट फॉर मतलब आपके इंटरेस्ट के लिए, थोड़ा सा अच्छा लगे। तो आप देखेंगे हम पाँचों ये जो प्रकार है इसके बारे में क्या है, इसको थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लघुकरण क्या है, और पाँचों को देख लेंगे एक साथ। ध्यान रखेंगे कि लघुकरण क्या है, क्षमा के बारे में बात करते हैं कि क्षमा जो है ना ये अपराधी को सजा मुक्त करने का है, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध, ठीक है, और राष्ट्रपति के पास अगर वो क्षमा याचिका, मतलब क्षमा याचिका अपनी ले जाता है कि भाई मुझे राष्ट्रपति महोदय जी प्लीज़ मुझे मतलब क्षमा कर दीजिए मेरे अपराध का, मुझे अपराध का अपने अपराध बोध हो गया है, मुझे अब मुझे पता हो गया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर मैं इतने साल से जेल में हूँ, अब तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पूरी तरीके से अपने अपराध का क्या है बोध है, अब मैं उसके लिए क्या है पश्चाताप कर रहा हूँ, और मैं बाहर जाकर पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं विभिन्न प्रकार से पश्चाताप करना चाहता हूँ, जो भी मतलब बातें हो, कुछ भी बात हो, ठीक है। तो अगर देखिए ऐसी स्थिति तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति अपराधी को क्या करता है सजा मुक्त करता है। देखिए क्षमा का जो ये तरीका है, क्षमादान में जो आपका क्षमा वाला प्रावधान है, जो पहला वाला हिस्सा है जिसे पार्डन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसमें राष्ट्रपति क्या करता है अपराधी को सजा मुक्त कर देता है, मतलब कोई भी सजा उसको दी गई हो, ठीक है, कोई भी अगर उसको सजा दी गई हो तो उसमें क्या करेगा वो उसको सजा से ही पूरी तरह से मुक्त कर देगा, नहीं ठीक है तुम्हें तुम्हारे सजा पूरी तरह से माफ, अब तुम्हें सजा नहीं, जाओ जेल के बाहर जाओ, ऐसा करो जो मर्जी वो करो, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा अपराधी को सजा मुक्त, सबसे बड़ा ध्यान रखेंगे आप कि जो क्षमा वाला जो तरीका है, क्षमादान के अंतर्गत जो क्षमा का ये प्रावधान पहला वाला है, ठीक है, ये क्षमा का सबसे बड़ा क्या रूप है, ठीक है, सबसे बड़ा ये रूप है क्षमा करने का, ठीक है, मतलब इससे बड़ा कोई क्षमा करने का रूप ही नहीं है। राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं क्षमादान की, उसमें सबसे बड़ी शक्ति क्या ये है, क्षमादान की शक्ति में क्षमा करने की शक्ति, मतलब कि जो भी अपराध तुम किए हो चलो छोड़ो, उसके लिए मैं तुमको क्या करता क्षमा करता हूँ, और तुमको इस अपराध के लिए कोई भी सजा नहीं दी जाएगी, मतलब पूरी तरीके से तुमको क्या कर देगा सजा मुक्त कर दिया गया, और ये सबसे बड़ा क्षमादान का रूप है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे दूसरे की, बात करें लघुकरण की बात करें, ठीक है, लघुकरण की बात करें जिसे इंग्लिश में बोले कम्यूटेशन। तो लघुकरण में देखेंगे तो दंड के प्रकार को बदलकर हल्के प्रकार का करना, लघुकरण लघुकरण कर देना, देखिए इसका शब्द से ही मतलब तात्पर्य निकल रहा है। तो दंड का मतलब कोई आपको कोई दंड दिया गया तो उसके प्रकार को बदल दिया जाएगा और उसको एक हल्के प्रकार का दंड दे दिया जाएगा आपको, तो इसको कहते हैं लघुकरण, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मृत्युदंड अगर आपको दिया गया है तो मृत्युदंड का जो प्रकार है ये बहुत ही कठिन है, इसके बाद तो जीवन ही समाप्त हो जाता है, तो क्या किया जाएगा लघुकरण, अगर आपको राष्ट्रपति के द्वारा आपको लघुकरण दिया जा रहा है, मतलब लघुकरण की क्षमा दी जा रही है, तो उसमें आपको मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। अब देखिए तरीका बदल गया, जो मृत्युदंड था वो बदल के किसमें चेंज हो गया, कठोर कारावास में चेंज हो गया। तो अब देखिए जो दंड का प्रकार वो बदल गया, ध्यान रखेंगे शब्दों पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे कहीं आपको मिलेगा दंड की मात्रा पर तो कहीं मिलेगा दंड के प्रकार पर, तो इसमें आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पहले शब्दों पे ध्यान रखेंगे। ये लघुकरण इसमें दंड के प्रकार को बदला जाता है और उसको बदल करके हल्के प्रकार का दंड किया जाता है, तो मृत्युदंड क्या है एक कठिन प्रकार का, एक कठोर प्रकार का दंड है, अब इसके प्रकार को बदल के क्या किया कठोर कारावास में कर दिया गया, तो ये क्या है एक हल्के प्रकार का दंड हो गया और इसका प्रकार ही बदल गया। अब फिर क्या किया कठोर कारावास में क्या करते हैं उसको हटा करके अब केवल कारावास में मार दीजिए कर लिया गया, तो इसका भी प्रकार बदल गया, क्योंकि केवल कारावास में क्या होता है बस आपको सजा काटनी होती है, लेकिन कठोर कारावास में क्या होता है आपको सजा दी जाती है, और साथ ही साथ सजा तो दी जाती है, आपसे श्रम भी करवाया जाता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार से आपको प्रताड़ित किया जाता है, तो बहुत सी समस्याएं वहाँ पर होती हैं। तो एक प्रकार यहाँ पर फिर मान लीजिए कठोर कारावास किसी को मिला है तो उसको कारावास सामान्य कारावास में अगर चेंज कर दिया गया तो भी इसके प्रकार को चेंज कर दिया गया, तो इस प्रकार से जो लघुकरण होता है उसमें दंड के प्रकार को बदल करके हल्के प्रकार का दंड कर दिया जाता है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तीसरे की बात करेंगे तो परिहार क्या होता है, परिहार देखिए दंड की मात्रा को कम करना, लघुकरण में क्या है दंड के प्रकार को कम करना, दंड के प्रकार को कम करके हल्के प्रकार का दंड दिया जाता है, लेकिन परिहार में क्या होता है जो दंड दिया गया दंड वही रहेगा बस उसकी मात्रा कम कर दी जाएगी, मतलब कि अगर 5 वर्ष की आपको सजा दी गई है तो अब वो घटा करके 3 वर्ष की कर दी गई, चलिए ठीक है दंड वही है बस, मतलब प्रकार दंड का वही है बस उसमें सजा कम कर दी गई, ठीक है, तो ये परिहार होता है जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं रिमिशंस बोलते हैं। अब देखिए बात करें विराम, विराम क्या है किसी मानवीय तथ्य के आधार पर क्षमादान देना, देखिए एक अलग प्रक्रिया है मतलब एक अलग स्थिति है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो क्षमा है ना ये क्षमा, इससे आप इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, देखिए जो क्षमा होता है ना इसमें मानवीय
आधार की जरूरत नहीं होती है, राष्ट्रपति मन कर दिए कि नहीं इसे क्षमा कर देना चाहिए तो क्षमा कर देगा वो। लेकिन जो विराम की स्थिति होती है ना, अगर विराम के अंतर्गत राष्ट्रपति अगर किसी को क्षमा करता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि किसी मानवीय तत्व के आधार पर उसे क्षमा देगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है बहुत वृद्ध है, उसको सजा हो गई, तो फिर वो कहेगा इतना बूढ़ा पहले ही बेचारा हो चुका है, जीवन के आखिरी पड़ाव पे है, तो क्या चाहते हैं जेल में, मतलब सांसें अपने अपनी अंतिम सांसें की नहीं बल्कि छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, परिवार के साथ अपना रहे, क्षमा कर दीजिए इसको, विराम लगा दीजिए। मतलब इसके जो इसका जो सजा इसको मिली, सजा पर विराम लगा दीजिए, रोक लगा दीजिए, ठीक है। कोई व्यक्ति बहुत ऐसा है कि ऐसी बीमारी से बीमार, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी बीमारी उसको पकड़ी हुई है जो बहुत ही मतलब उसके जीवन को बिल्कुल कष्टकारी बना रखी है, पहले कष्टकारी बना दी है उस बीमारी ने, तो इस अवस्था में भी वो कहेंगे ठीक है इसके दंड पर रोक लगा दिया जाए, इसको विराम मतलब दे दिया जाए, तुम्हें जो है सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम देख रहा हो खुद ही इतने परेशान हो, तुमको और क्या परेशान करें हम, ठीक है। गर्भावस्था इत्यादि, मान लीजिए कोई महिला इत्यादि अगर मतलब अगर किसी सज़ा किसी अपराध के जुर्म में पकड़ी जाती हैं और वो सज़ा अगर होती है तो फिर अगर गर्भावस्था उनकी चल रही है तो फिर उसके आधार पर फिर इनको दंड में क्या विराम दिया जाएगा कि ठीक है अभी आप ये जो है मतलब आपको सज़ा नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति विराम वाले में होगी। पांचवा जो प्रकार जिसे हम प्रविलंबन बोलते हैं, ठीक है। अरे प्राइवेट क्या होता है, तो इसमें क्या होता है मृत्युदंड को लागू होने से रोक देना, अर्थात दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना करने के लिए समझना। मान लीजिए कि प्रविलंबन में क्या था कि कोई व्यक्ति जिसने अपराध किया उसको मृत्युदंड की सजा दी जाती है, तो अगर राष्ट्रपति उसके प्रविलंबन के अंतर्गत उसे क्षमा करते हैं तो फिर उसमें क्या होगा कि पहली बात तो ये है कि उसका जो मृत्युदंड रोक दिया जाएगा, मतलब कि अभी इसको मृत्युदंड तुरंत नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये क्यों रोका जाएगा, ताकि जो व्यक्ति है दोषी व्यक्ति जो है वह क्षमा याचना के लिए समय दे मतलब उसको क्षमा याचना के लिए समय मिल सके, मतलब वो राष्ट्रपति से अपना क्षमा जो है मांगने के लिए उसको समय कुछ मिल सके, ठीक है, क्षमा याचना करने के लिए उसको समय दिया जा सके, इसके आधार पर उसको थोड़ा से मृत्युदंड उसका डिले कर दिया जाएगा, ठीक है। तुम क्षमा याचना मांग लो, अगर लगता है ऐसा कि तुम ठीक है क्षमा तुम्हें मिल जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर तुमको हम फांसी पर तो चढ़ा ही देंगे, ठीक है। तो मृत्युदंड प्रविलंबन में क्या होता है कि मृत्युदंड को लागू होने से रोक देना, अर्थात दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना के लिए समय देना, तो कुछ समय दिया जाता है कि ठीक है आप इतने समय आपके पास है, इसके दौरान अगर आपको क्षमा याचना मतलब क्षमा मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो फिर आपको आपके लिए फांसी का फंदा तो तैयार पहले से ही रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें। तो ये देखिए पाँच प्रकार हैं जो कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। तो इस प्रकार से देखेंगे आप ये जो शक्ति जो कि आपके न्यायालय के अंतर्गत आती है इसका राष्ट्रपति क्या करते हैं अतिक्रमण कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पांचों प्रकार समझ में आ गए, बहुत सिंपल तरीके हैं, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। एक बार देखें, दो बार देखें, समझ में जरूर आएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे थोड़ा सा कुछ संबंधित मुद्दे क्या हैं, ऐसे मुद्दे कौन से हैं जो समाधान से संबंधित हैं, जो सब चर्चा हम करेंगे, कुछ पॉइंट्स जिसमें देख लेंगे हम। जैसे बात करें अगर समाधान से संबंधित मुद्दे हैं तो कौन कौन से मुद्दे जो समाधान से संबंधित हैं, तो क्षमादान की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, व्यवहार में गृह मंत्री। देखिए यहाँ पे इस बात को थोड़ा ये बात आपको थोड़ा खटक सकती है कि भाई से सलाह करता है तो गृह मंत्री व्यवहार में गृह मंत्री सलाह क्यों करता है, तो मैं देखिए आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि जो देश का लॉ एंड ऑर्डर होता है ना वो एक गृह मंत्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर होता है देश का, देश में जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो एक गृह मंत्री के अंतर्गत आती है कि देश में होम मतलब जो देश की सिक्योरिटी जो आंतरिक सुरक्षा होता है, ठीक है, वो नेशनल सिक्योरिटी जो होती है वो गृह मंत्रालय का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति क्या किया, उस व्यक्ति ने अपने राष्ट्रपति के सामने जो है क्षमा याचिका जो है दायर की, मतलब प्रस्तुत की कि सर मुझे प्लीज़ क्षमा मतलब दे दें, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा, लेकिन उसमें व्यवहार वो गृहमंत्री से सलाह लेता, दरअसल वो गृहमंत्री से सलाह लेता है। क्यों? क्योंकि आप मुझे बताइए, गृहमंत्री जो आप देख रहे हैं कि आप नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं, देश में कानून व्यवस्था कैसी है उसको पता है, ठीक है, कहाँ पे सुरक्षा से संबंधित कोई प्रश्न चिन्ह कहीं उठ सकता है, किस प्रकार से उठ सकता है वो उसको पता है। तो मान लीजिए कि जिस व्यक्ति ने क्षमा याचिका दायर की है, अगर मान लीजिए वह व्यक्ति अगर छूट जाता है और गृह मंत्रालय के पास ऐसे इनपुट्स हैं, मतलब ऐसे उसके पास ऐसी खबरें उसके पास हैं जिसके माध्यम से अगर ये व्यक्ति छूटता है, इस व्यक्ति को अगर क्षमा मिल जाती है तो फिर कानून व्यवस्था इत्यादि को, देश की सुरक्षा इत्यादि को खतरा पैदा हो सकता है। ये बात किसको पता होगी? गृहमंत्री को पता होगी, ठीक है। तो इसीलिए राष्ट्रपति जो महोदय होते हैं वो पहले मतलब गृहमंत्री से पूछते हैं कि भाई बताइए, अगर इस व्यक्ति को हम छोड़ देते हैं, इस व्यक्ति को मैं क्षमा दे देता हूँ, तो क्या आपकी कानून व्यवस्था पर, देश की सुरक्षा इत्यादि पर कोई खतरा आ जाएगा क्या? तो अगर गृहमंत्री कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये सामान्य सा बंदा है, गलती से गलती कर गया था और फिर सजा भी मिल गई, चलिए कोई बात नहीं, इसे छोड़ दीजिए आप, तो ठीक है। लेकिन अगर गृहमंत्री कहते हैं नहीं 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 इसको मत छोड़िए, ये अगर निकलेगा तो फिर देखिए इनसे कांटेक्ट करेगा, इस प्रकार से फिर ये गलत गलत कार्य करेगा जिससे फिर देश की सुरक्षा इत्यादि को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तब अगर गृहमंत्री अगर ऐसा कहते हैं तो फिर राष्ट्रपति उसको क्षमा नहीं देंगे। लेकिन अगर गृहमंत्री कहते हैं नहीं ठीक है कोई बात, क्षमा दे सकते हैं, तो फिर वो क्षमा उसको मिल जाती है उस व्यक्ति को, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कहा गया है
कि जो क्षमादान की शक्ति का जो प्रयोग है राष्ट्रपति मंत्री परिषद व्यवहार में गृह मंत्री की सलाह पर करता है, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और बात करेंगे तो एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि अपराधी को राष्ट्रपति के सामने मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान रखें कि जो अपराधी है जिसने क्षमा जिसने दया याचिका जो दायर की है या फिर क्षमा याचिका दायर की है, यह व्यक्ति चाहे कि खुद जाके वो राष्ट्रपति के सामने खड़ा होकर के मतलब अपनी बातों को रखे, मौखिक सुनवाई वहाँ पे हो राष्ट्रपति के सामने, तो ऐसा अधिकार उसको नहीं है, ठीक है, मतलब उसको ऐसा अधिकार नहीं है कि वो जा करके राष्ट्रपति के सामने मौखिक रूप से राष्ट्रपति को अपने मतलब अपनी बात राष्ट्रपति के सामने वो रखे, ऐसा उसको अधिकार नहीं है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर देखा जाए तो राष्ट्रपति अपने निर्णय का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी बात ध्यान रखेंगे कि अगर राष्ट्रपति किसी को क्षमादान देते हैं तो वो क्यों क्षमादान दे रहे हैं, इसका कारण क्या है, उसको बताने के लिए वो बाध्य नहीं है, तो एक ये बात यहाँ पे भी बात है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करें अगर तो क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर इसकी प्रक्रिया मनमानी हो, अतार्किक हो, द्वेषपूर्ण हो, विभेद मूलक हो, तो प्रक्रिया का यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये बात आपको कौन कहता है, आपका न्यायालय कहता है। देखिए सीधी बात यहाँ पे है कि क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, साफ साफ पहले ध्यान रखेंगे कि इसे जो है कोर्ट में जो है आपको चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन 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 अगर प्रक्रिया मनमानी मतलब मनमानी तरीके से किसी को क्षमा कर दिया गया, या फिर क्षमा नहीं किया गया, या फिर अतार्किक तरीके से ऐसा कुछ किया जा रहा है, द्वेषपूर्ण की इससे इत्यादि की वजह से, विभेद इत्यादि की वजह से अगर इस प्रकार की स्थिति को जो है अंजाम दिया जा रहा है, क्षमा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो फिर इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या किया जाए, न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत लाया जा सकेगा, मतलब इसमें कोर्ट इसको इसको कोर्ट में चैलेंज दिया जा सकेगा। तो क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर इसी की प्रक्रिया मनमानी हो, अतार्किक हो, द्वेषपूर्ण हो या विभेद मूलक हो, तो प्रक्रिया का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, ऐसी बात कही जा रही है, ठीक है, तो इसे भी एक तो आप ध्यान रखेंगे। अब बात करें, अब हम थोड़ा सा मूल्यांकन देखेंगे राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति उसका मूल्यांकन देखेंगे, और जैसे पहले हम आलोचना देखेंगे कि आलोचना किस मुद्दे पर इससे इसमें की जाती है, ठीक है। तो बात करें आलोचनाओं की, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आप ध्यान रखेंगे कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसके विरुद्ध है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध, जो कि आर्टिकल 50 में पहले ही बताया जा चुका है आपको। तो राष्ट्रपति जो क्षमादान की शक्ति है ये क्या है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध, मतलब न्यायपालिका का काम है ना न्याय देना, ठीक है, सजा देना न्यायपालिका का काम, सजा कम करना न्यायपालिका का कार्य है, लेकिन ये कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं, तो इस जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध ये जाता है कि नहीं। तो पहला जो आलोचना करेंगे वो इसी माध्यम से करेंगे कि भाई राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध, जो कि आर्टिकल 50 में बताया गया है। और दूसरी बात यह कि यह न्यायपालिका की गरिमा को कम करता है, मतलब न्यायपालिका किस काम के लिए, न्याय देने के लिए। और मान लीजिए कि न्यायपालिका ने किसी व्यक्ति को क्या किया, अपराधी घोषित कर दिया, ठीक है, अब उसको सजा सजा दे दी, ठीक है, अब कोई आया राष्ट्रपति महोदय ऊपर से आया कहे नहीं इस व्यक्ति को क्षमा करेंगे हम, तो जो उसकी गरिमा है न्यायपालिका की यहाँ पे कम हो जाएगी कि नहीं, होगी कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप ही एक व्यक्ति हैं और आप किसी जगह जाते हैं, ठीक है, और आपसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आपका कोई दोस्त है, और आपसे कहता है कि तुम ये कार्य कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप ठीक है, अच्छी बात है, आपको उसने मोटिवेट किया कि आप ये कार्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए। फिर किसी 5-10 लोग जुट जाते हैं किसी जगह पे, आप जाते हैं उस दोस्त के साथ, फिर दोस्त वहीं पे कहता है कि यार ये बहुत बेकार कार्य किया है, सही काम नहीं तुम्हारा, इस कार्य को ऐसे करना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर बस वही बात है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, न्यायपालिका की गरिमा को क्या करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि न्यायपालिका ने सुनवाई इत्यादि के माध्यम से उसमें क्या किया है, उस केस में निर्णय सुनाया है, अपराधी उसको घोषित किया है, सजा दी है उसको, और राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, उस सजा को कम कर देते हैं या फिर उसे सजा मुक्त कर देते हैं, तो फिर इस प्रकार से न्यायपालिका जो गरिमा यहाँ पे कम होती है, ये भी एक आलोचना इस आधार पर भी करते हैं। फिर बात करें तो भारत में एक सुनियोजित न्यायिक प्रणाली है जिसमें अनेक स्तरों पर अभियुक्त की सुनवाई होती है और उसे स्वयं को निर्दोष सिद्ध किए जाने का अवसर दिया जाता है, अतः सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम माना जाना चाहिए। लेकिन आलोचक कहते हैं भाई जब आपके देश में एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था जो कि एकदम बिल्कुल सुनियोजित मतलब एक अच्छे ढंग से कार्य करती है, ठीक है, और उसमें जो आपका अपराधी व्यक्ति जो घोषित नहीं अभी हुआ है उसको लगातार, ठीक है, जो अभियुक्त है उसको लगातार मतलब अपने अपने पक्ष में चीज़ों को सिद्ध करने का मौका दिया जाता है, उसे अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का मौका दिया जाता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो सब अच्छे से विधि प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया के हिसाब से चीज़ों को किया जाता है। अगर वो अपने आप को दोषी सिद्ध मतलब निर्दोष सिद्ध करने में कामयाब नहीं होता तभी उसको फांसी दी जाती मतलब कोई सजा दी जाती है। तो जब एक विधिवत प्रक्रिया के बाद उसको सजा दी जाती है या नहीं दी जाती है तो फिर इसमें जो निर्णय आखिरी होता है सुप्रीम कोर्ट का वो आपको अंतिम मानना चाहिए। जो निर्णय यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का था उसको आपको अंतिम मानना चाहिए क्योंकि एक बेहतर प्रक्रिया का पालन करते हुए उस व्यक्ति को अपराधी घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये जो एक प्रक्रिया एक बेहतर प्रक्रिया है उसके माध्यम से जब अपराधी उसको घोषित किया जा रहा है तो आपको यही निर्णय अंतिम मानना चाहिए। लेकिन आप जो इसके बाद भी समय दे रहे हैं, चांस दे रहे हैं राष्ट्रपति के लिए, तो ये भी क्या है, एक गलत है। इस आधार पर क्या की जाती है, आलोचना की जाती है।
जो एक और आलोचना का पॉइंट है वो क्या है, व्यवहार में ऐसा पाया गया कि लंबे समय तक राजनीतिक कारणों से दया याचिकाओं पर निर्णय नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, एक देखेंगे तो आप, ये भी एक क्या है, इसका आलोचना इस आधार में भी की जाती है कि भाई बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि लंबे समय तक राजनीतिक कारणों से, ठीक है, दया याचिकाओं पर निर्णय नहीं लिए जाते थे। मतलब ऐसे भी केस हमारे सामने देखे देखने को मिले हैं कि कोई राजनीतिक लाभ उठाना चाहें या फिर किसी पार्टी विशेष को जो फायदा ना पहुंचाना चाहें या फिर कोई भी मतलब किसी भी प्रकार से राजनीतिक कारण अगर वहाँ पर होते हैं तो फिर दया याचिकाओं क्या करते हैं, वो जल्दी उस पर निर्णय नहीं लेते हैं, ना ही उसको मतलब स्वीकार ही करते हैं, ना ही उसको अस्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से भी समस्याएं हमारे देश में देखी जाती हैं। तो ये चीज़ें हमने देखा। अब आइए कुछ और बात देखते हैं कि इसके संबंध में एक न्यायालय के केस, एक जजमेंट को देख लेते हैं और इसके बाद हम अपना इंक्लूड कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। तो शत्रुघ्न सिंह चौहान बनाम भारत संघ 2014 का लेटेस्ट है, आर्टिकल 72 पर विचार करने के लिए इस केस को, मतलब इस केस का रेफरेंस है कि आर्टिकल 72 पर विचार हुआ। तो उसमें देखिए क्या हुआ, न्यायालय ने क्या किया, कुछ जजमेंट अपने दिए, न्यायालय ने क्या जज उसको देख लेते हैं। न्यायालय कहता है कि भाई दया याचिका पर उचित प्रक्रिया के साथ विचार किया जाना चाहिए, ये अपराधी का क्या एक मौलिक अधिकार है और आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार में शामिल है। देखिए कहा जा रहा है कि न्यायालय कहता है कि जो दया याचिका मतलब मिलती है, जो क्षमा याचिका जाती है राष्ट्रपति के पास, उस पर क्या एक उचित प्रक्रिया के साथ विचार किया जाना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं मन किया विचार कर लिया, मन किया नहीं किए, ठीक है, कोई भी तरीका अपना लिया, ऐसा नहीं, एक उचित प्रक्रिया होनी चाहिए, उस प्रक्रिया पर उचित तरीके से विचार किया जाना चाहिए और ये अपराधी का क्या है मौलिक अधिकार। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार में ये शामिल है। देखिए जब जीवन का अधिकार आपको आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार देता है, तो अपराधी जो व्यक्ति है उसको भी तो जीवन जीने का अधिकार है, उसको भी तो मौलिक अधिकार मिलेगा ना। तो जब ऐसी स्थिति है तो उसको उसको मतलब उस पर जो दया याचिका है उसे जीना है या नहीं जीना है, इस पर एक उचित प्रक्रिया के माध्यम से विचार किया जाना चाहिए, ठीक है, बहुत लंबा लटकाया नहीं जाना चाहिए और प्रक्रिया अच्छे से करके उसको जो विचार किया जाना चाहिए कि क्या उसको मतलब उसको क्षमा किया जाए या नहीं किया जाए, तो ये सब अच्छे से एक उचित प्रक्रिया के माध्यम से विचार इस पर किया जाना चाहिए, क्योंकि जो जीवन जीने का अधिकार है वो उसको भी है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, ऐसा अपना न्यायालय कहता है। फिर देखते हैं कि दया याचिकाओं के निष्पादन में अत्यधिक विलंब करना अपराधी के मानव अधिकारों का भी उल्लंघन है, अतः दया याचिकाओं का निपटारा एक निश्चित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। देखिए न्यायालय एक बात और कहता है कि भाई जो दया याचिकाएं हैं, ठीक है, इनका जो निष्पादन मतलब इनको जैसे कि इन पे मतलब विचार करना, स्वीकृति देना या फिर अस्वीकृत करना, ये क्या है एक देखेंगे तो आप ज़्यादा अगर आप विलंब करते हैं, मतलब दया याचिकाओं पर अपना निर्णय देने इसमें ज़्यादा अगर आप विलंब करते हैं, तो एक प्रकार से जो अपराधी है उसके मानव अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि आप देखें तो कहीं ना कहीं आप इसके जीवन की जीने की या फिर जीवन न रहने की जो विधि के द्वारा आप स्थापित प्रक्रिया है उसके साथ भी आप क्या करते हैं खिलवाड़ करते हैं। तो दया याचिका जो आपके सामने जाती है उस पर एक विद इन टाइम एक समय सीमाबद्ध तरीके से एक समय के अंतर्गत आप उसे क्या करें उस पर निर्णय दे दें अपना, ऐसा ना हो कि बहुत देर तक लटकाए रहें, 2 साल 3 साल 4 5 साल तक लटकाए ही रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर वो मानव अधिकारों का क्या होगा उल्लंघन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से न्यायालय यहाँ पे एक और अपना निर्णय देता है। और क्या बात करता है न्यायालय उसको देख लेते हैं। न्यायालय कहता है कि अगर एक लंबे समय तक मृत्युदंड से संबंधित दया याचिका पर राष्ट्रपति निर्णय न ले तो उसे आजीवन कारावास में बंधवाना अपराधी का क्या एक मौलिक अधिकार है। देखिए एक बात यहाँ पे न्यायालय ये भी कहता है कि मान लीजिए कि कोई दया मतलब मृत्युदंड से संबंधित कोई दया याचिका है कि भाई हमें मृत्युदंड मिला है राष्ट्रपति मौत है, प्लीज इसे आप जो है क्या करते हैं माफ़ कर दें या फिर मुझे कम इससे इस कम कर दें, तो फिर अगर मान लीजिए कि वो मृत्युदंड की दया याचिका राष्ट्रपति के पास गई है, बहुत लंबे समय तक राष्ट्रपति ने उसे कोई निर्णय नहीं लिया, ठीक है, राष्ट्रपति अगर लंबे समय तक उसे कोई निर्णय नहीं ले तो उसे मतलब कि अपराधी को वो जो मृत्युदंड जो उसको मिला है उसको जो है आजीवन कारावास में बंधवाने का उसका उसका एक मौलिक अधिकार होगा। राष्ट्रपति मतलब न्यायालय कहता है कि अगर कोई दया याचिका जो कि मृत्युदंड से संबंधित है अगर राष्ट्रपति पास जाती है और राष्ट्रपति लंबे समय तक उस पर क्या करता है निर्णय नहीं लेता है तो आजीवन कारावास बंधवाना उस मृत्युदंड को अपराधी का क्या होगा एक मौलिक अधिकार होगा। तो एक बात यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर एक पॉइंट बनता है कि दया याचिका के अस्वीकृत होने और फांसी को और अपराधी को फांसी पर लटकाए जाने के बीच क्या होना चाहिए, कम से कम 14 दिनों का क्या होना चाहिए अंतर होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई किसी व्यक्ति ने जिसको फांसी की सजा हुई उसने दया याचिका दायर की अपने राष्ट्रपति के पास, उसके बाद क्या होता है राष्ट्रपति उस पर विचार करते हैं, मान लीजिए उसको उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया, तो जिस दिन उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया उस दिन से लेकर 14 दिन तक फांसी पर उसको नहीं लटकाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अस्वीकार कर दिया मतलब कि अब फांसी उसकी तय है। अगर फांसी की सजा किसी व्यक्ति को हुई है और उसने राष्ट्रपति के सामने जो है दया याचिका दायर की, इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति इसको क्या कर रहे हैं या तो फांसी की सजा से बचा सकते हैं या फिर उसे फांसी चढ़ने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए राष्ट्रपति ने उसे अस्वीकार कर दिया, तो जिस दिन राष्ट्रपति ने उसे अस्वीकार किया उससे 14 दिन बाद ही उसको व्यक्ति को फांसी दी जाएगी, उससे पहले नहीं दी जाएगी। तो ये भी एक प्रकार से पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से जो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को हमने शुरू भी किया क्या है
कितने प्रकार है वो देखा, संबंधित मुद्दे क्या है वो देखा, आलोचनाएं क्या है वो भी हमने देख लिया, ठीक है, और आपके जो न्यायालय का जजमेंट उसको भी हमने देख लिया। अब जो हमारा मतलब ये कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे अपने शायद आपातकालीन शक्तियों पर चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या चर्चा करते हैं किस पर, ठीक है। उससे पहले आप एक क्वेश्चन आपके सामने एक और है, इस क्वेश्चन को भी आप देख लेंगे, 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मृत्यु दंडादेशों के लघुकरण में विलंब के उदाहरण न्याय प्रत्याख्यान, देखिए डिनायल इंग्लिश में बोलते हैं डिनायल, नहीं तो प्रत्याख्यान तो आप समझते सोचते रह जाएंगे कि इसका मतलब क्या है हिंदी का, ठीक है, इसलिए इसको इंग्लिश में जो है डिनायल कहेंगे, के रूप में लोग वाद विवाद के अधीन उठाए गए आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने या फिर अस्वीकार करने के लिए एक समय सीमा का विशेष का क्या किया उल्लेख किया जाना चाहिए, विशेष छोड़ करें। देखिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या है, क्वेश्चन देख क्या रहा कि मृत्यु दंडादेशों के लघुकरण में, मतलब जो आपको मृत्युदंड मिलते हैं ठीक है उनके लघुकरण मतलब उनको कम करने में, ठीक है, उनके लघुकरण, लघुकरण का मतलब क्या पे हो गया है, लघुकरण मतलब सिर्फ दंड के प्रकार को बदल दिया जाए, मतलब कि मृत्युदंड को बदल करके क्या कर दिया जाए, आजीवन कारावास में कर दिया जाए, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि मृत्युदंडादेशों के लघुकरण में राष्ट्रपति के विलंब के उदाहरण, मतलब लगातार आप देखेंगे इस प्रकार का जो मतलब याचिकाएं पड़ती हैं मृत्युदंड के केस में कि इसको जो है कम किया जाए, ठीक है, तो इसके केस में आप देखेंगे राष्ट्रपति के जो विलंब के उदाहरण हैं वो क्या करते हैं, न्याय प्राख्या मतलब न्याय डिनायल के रूप में लोक वाद विवाद के अधीन आए हैं, मतलब लोगों के अंदर, लोगों के अंतर्गत ये और लोगों के हित से जुड़े हुए चर्चा में आए हैं बात कि राष्ट्रपति जो हैं मृत्युदंडादेश के जो संबंध में जो उनके सामने याचिकाएं पड़ती हैं उसके उसको क्या करते हैं वो डिनायल मतलब बहुत विलंब करते हैं, तो इस जब विलंब करते हैं तो कहीं ना कहीं न्याय नहीं करने के रूप में, मतलब न्याय प्रत्याख्यान मतलब न्याय डिनायल जस्टिस डिनायल मतलब न्याय नहीं करने के रूप में ये जो विषय जो है चर्चा का विषय बना है, और लोकवाद विवाद मतलब लोगों के हित से जुड़ा हुआ ये बात हमारे सामने आ रही है, ठीक है। तो मृत्युदंडादेशों के लघुकरण में मतलब जब इस प्रकार की याचिकाएं पड़ती है मृत्युदंड के संबंध में राष्ट्रपति के सामने, तो राष्ट्रपति क्या करता है विलंब करता है, और जो राष्ट्रपति विलंब करता है तो इससे क्या होता है कि जो न्याय नहीं देने की जो बात है यहाँ पे वो लोगों के बीच में यहाँ पे लगातार मतलब एक लोकहित के तौर पर यहाँ पे वाद विवाद के रूप में सामने हमारे आ रही है। तो ये पहला सेंटेंस में इसमें ये कहा गया, इसमें एक चीज़ बताया गया, देखिए तो आपको इसको बस क्या करना जस्टिफाई करना कि हाँ सही बात है, मतलब कई बार ऐसा देखा गया कि न्यायालय मतलब राष्ट्रपति ने क्या किया है मतलब लेट लतीफ़ करते हैं, और इससे क्या होता है जो न्यायालय जो न्याय का जो जो न्याय की जो सार्थकता है वही खत्म होने लगती है, मतलब न्याय नहीं करने के बराबर की स्थिति यहाँ पे आ जाती है। तो कहा जा रहा है देखिए जो मेन पार्ट ऑफ क्वेश्चन का ये है यहाँ पे आपका यहाँ से शुरू हो रहा है मेन पार्ट क्वेश्चन का, कहा जा रहा है कि क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने या फिर अस्वीकार करने के लिए एक समय सीमा विशेष का उल्लेख किया जाना चाहिए, विशेषण किए, तो आप इसमें देखिए शत्रुघ्न सिंह चौहान बना भारत संघ केस का रेफरेंस देंगे, आप इसमें बताएंगे आप ठीक है किस किस प्रकार से मतलब जो राष्ट्रपति की याचिका को स्वीकार करने की समय सीमा उसको क्या एक समय सीमा रखा जाना चाहिए या नहीं कि रखा जाना चाहिए, इसमें न्यायालय क्या कहता है, डायरेक्ट आप न्यायालय की बात को ही कोट कर देंगे, नहीं समय सीमा एक होनी चाहिए ठीक है, और इसको जो बदलवाना इत्यादि जो आपका लघुकरण जो है आपका बदलवाना दंड के प्रकार को बदलवाना ये भी क्या है, आप शत्रुघ्न सिंह जो केस है उसके माध्यम से यहाँ पे इसको रेफरेंस देकर कहेंगे कि बदलवाना क्या है एक मौलिक अधिकार है, अगर लंबे समय तक क्या है विलंब अगर किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा तो इसको भी बदलवाना क्या है मौलिक अधिकार या अपराधी का होता है, ठीक है विश्लेषण पे। तो वही बात यहाँ पे आप तीनों ही पार्ट में आप दोनों ही तीनों पार्ट में इसको क्या करेंगे बता करके अच्छे से कौन सा क्वेश्चन का आंसर फ्रेम कर देंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करिएगा आप इसके बाद, ठीक है। तो ये था हमारा अच्छा वीडियो, वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बताएं, उसके बाद मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।